हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम आपको नाउन और उसके प्रकार बता चुके हैं। फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोनाउन। तो हम समझेंगे इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज होता है, प्रोनाउन को क्यों यूज किया जाता है, प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, आपको जो है बचपन में मैंने बताया कि आपको बहुत सारी परिभाषाएं आपने याद की होंगी, डेफिनेशन याद की होंगी, बट मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद कराने नहीं आया हूँ। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, मन लगा के यहाँ पे इस चीज को समझना है कि प्रोनाउन होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, लिखा है प्रो नाउन, इसमें दो शब्द हैं, दो शब्दों से प्रोनाउन बना हुआ है। पहला है प्रो और सेकेंड है नाउन। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है के लिए, प्रो का मतलब क्या होता है, के लिए, और नाउन यानी कि संज्ञा, अर्थात हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्द यानी कि वो वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं, वो ही होता है प्रोनाउन। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको जरूर ये बात समझ में आ रही होगी कि जो शब्द नाउन के लिए यूज किए जाते हैं या नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही डेफिनेशन देख लीजिए आप। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ मिले, नाउन के स्थान पर अगर उसका प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिए आपकी वो 100% प्रोनाउन ही है। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे यहां पे लिखा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहां पे अब देखिए ये जो क्या शब्द है, क्या कोई ना कोई तो नाम होगा। जैसे मैं आपसे पूछे, आपका नाम पूछे, तो आप कुछ ना कुछ तो नाम अपना बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके नाम के स्थान पे हमने क्या यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, क्या यूज किया, क्या शब्द यूज किया है, तो ये क्या शब्द है आपका, क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है आपका, प्रोनाउन। ओके, समझ गए होंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ रहते हो, तो आप कोई ना कोई तो स्थान का नाम बताएंगे। आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आप बताएंगे। तो जो स्थान है उसके स्थान पे हमने क्या यूज किया, हमने क्या यूज किया, कहाँ शब्द यूज किया है, तो ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है। कहाँ शब्द क्या है, आपका प्रोनाउन है। समझ गए, हमने किसी स्थान के नाम पे, जहां आप रहते हैं उसके स्थान पे हमने ये शब्द यूज किया, तो ये क्या है, नाम के स्थान पे हमने यूज किया, तो नाम के स्थान पे यूज किया, इसलिए क्या ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट लेते हैं, वह बाजार से सब्जी लाने गया, बाजार से सब्जी लाने गया। अब देखिए, मैं आपसे कहूँ वह बाजार से सब्जी लाने गया, वह अर्थात कोई ना कोई नाम, दिलीप हो सकता है, महेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी कोई ना कोई जरूर नाम आएगा, तो वो नाम क्या है आपका, उसके स्थान पे वो जो नाम है वो नाउन है, और उस नाउन के स्थान पे हमने क्या कह दिया, वह कह दिया। समझ गए होंगे आप, तो वह हमने कहा तो वह क्या है आपका, वह क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका प्रोनाउन हो गया। अब नेक्स्ट, उसने किताब नहीं चुराई, समझ गए होंगे आप बताओ उसमें, इसमें ऐसा कौन शब्द है जो नाउन के स्थान पे ही प्रयोग किया गया है। देखिए, उसने, फिर हमने किसी की बात की है, उसने यानी कोई भी हो सकता है, और वो जो भी है कोई ना कोई नाम है, और नाम आपको पता है नाउन होता है, और नाउन के स्थान पे हमने यूज किया है उसने, इसका मतलब ये जो उसने है ये भी आपका क्या हो गया, समझ गए ना, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं कल मुंबई जाऊंगा, आप बताओ,
इसमें कौन सा शब्द प्रोनाउन है। ठीक है, मैं आपसे कहूं मैं मेरा नाम आपको पता है ना, सहदेव, सहदेव के नाम पे यूज किया मैं, अर्थात सहदेव क्या था, नाउन है ना, और वो नाउन की जगह हमने यूज किया है मैं, तो मैं क्या हो गया, समझ गया ना, प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी नाउन हो, नाउन के स्थान पे अगर कोई भी शब्द आया हो, नाउन को हमने हटा दिया हो, तो आप समझ जाइए वहां पे वो शब्द 100% प्रोनाउन ही है। ठीक है नेक्स्ट, अब देखिए प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों है, नाउन से तो सारे काम हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, आपको पता हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, तो हम प्रोनाउन को क्यों यूज करें, खामखा क्यों प्रोनाउन भाई यूज करें, हमें नहीं ये करना यूज, आप कहते हैं ना हमें नहीं यूज करना, चलिए हम बताते क्यों प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। देखिए अमर दिलीप का दोस्त, ये सेंटेंस देखिए, अमर दिलीप का दोस्त है तो है, कोई शक नहीं है, अमर बरेली में रहता है, अमर कक्षा 10 में पढ़ता है, अमर को अंग्रेजी में रुचि है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नाउन है जो बार बार आ रहा है, अमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अमर क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो हमने एक बार कह दिया अमर दिलीप का दोस्त है, एक बार यूज कर लिया। अब जब दूसरी बार हम यूज करेंगे तो हम बार बार अमर का नाम क्यों लें, आखिर क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है हमें अमर नाम लेने की, हम अमर की जगह ये भी तो कह सकते हैं अमर दिलीप का दोस्त है, ठीक है बढ़िया है, फिर हम दोबारा अमर क्यों बोले, हम अमर की जगह कह सकते हैं वह बरेली में रहता है। तो हमने क्या किया, इसको हटाया, ये नाउन है। ठीक है, और ये जो शब्द हमने यूज किया हुआ ये प्रोनाउन है, क्लियर। तो हमने पहले सेंटेंस में यूज किया, लेकिन दूसरे में हम बार बार अमर क्यों गए, तो वह बरेली में रहता है, तो वह शब्द क्या है, वह मतलब इंग्लिश में होता ही, ठीक है, तो ये शब्द क्या है, प्रोनाउन है। दूसरी बार फिर हम कहें अमर कक्षा 10 में पढ़ता है, तो हम बार बार बता चुके क्यों नाम लें, अमर के जीवन फिर से कहेंगे वह अर्थात ही कक्षा 10 में पढ़ता है। ठीक है, फिर तीसरा चौथा सेंटेंस क्या है, अमर को अंग्रेजी में रुचि है, तो हम कह सकते हैं उससे, ठीक है, किसको, उसे या उसको, ठीक है, अमर को, तो या उसे हम कहें, उसे अंग्रेजी में रुचि है, या हम कहें उसको अंग्रेजी में रुचि है, तो ये जो शब्द है इसके लिए भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा ही, तो ये जो ये शब्द ही है आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेंटेंस में एक जो नाउन है बार बार हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह जो हम यूज करेंगे वो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तो प्रोनाउन यूज करने से हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही सरल हो जाता है और हमें बोलने में भी आसानी होती है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसमें क्लियर हो गया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट कि प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है, आपको मैंने बताया आई, यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है, आई क्या है, प्रोनाउन है, मैं, वी यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं हम कहेंगे तो हम, ये भी प्रोनाउन है, सी जो कि है लेडीज के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ही लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, दे प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, बहुत से लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसी प्रकार से हु है, वेयर है, व्हाट है, दिस है, दैट है, तो ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो, आई, वी, सी, ही, दे, हु, वेयर, व्हाट, दिस, दैट, जितने के जितने हैं सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रोनाउन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कहीं भी आपको नाउन हटा हुआ मिले और उसकी जगह प्रोनाउन मिल जाए, आप जो शब्द मिलेगा वो प्रोनाउन ही होगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे इजीली कि वो प्रोनाउन ही है। ओके, ये क्लियर है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।